तो देखो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें भी बेसिकली क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है और वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल वेरी विद टाइम टी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा और उसका एक इक्वेशन दिया हुआ है एक इजक्वल टू ए, तो ये यहाँ पर तुम देखोगे के इजक्वल बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई की पावर माइनस पी टी, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। तो वेलोसिटी निकालना, ये देखो भाई कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो वेलोसिटी क्या होता है? फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है डीएक्स ओवर डीटी। तो इसका एक बार डेरिवेटिव कर लूँ भी, तो डीएक्स ओवर डीटी, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो डी ओवर डीटी, यहाँ से एक काम करते हैं इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो के बाई बी और माइनस के बाई बी और e की पावर माइनस पी टी इसका बना, और मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो k बाई बी कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 गया, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करोगे तो k बाई बी और e की पावर माइनस बी टी का डेरिवेटिव e की पावर होता है, और अगेन d ओवर डी टी इजक्वल टू माइनस बी टी, चेन रूल लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से नहीं समझ में आया, देखो बहुत सारे बच्चों के यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा, ए की पावर e की पावर ax प्लस ए प्लस बी एक्स कुछ दिया हुआ है, तो d ओवर डी एक्स अगर मैं इसका डेरिवेटिव हूँ तो a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और e ax प्लस बी ही होता है, और अगेन डेरिवेटिव होता है चेन रूल से a प्लस बी एक्स का, ठीक है ना, ये वाली चीज़, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत मैथमेटिकल टूल आता होगा। तो यहाँ से के बाई बी इधर बचा और इधर बचा ई की पावर माइनस बी टी, और इधर बचा माइनस बी और टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और बी ने बी को, मतलब यह आ जाए के ई की पावर माइनस बी टी, दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और आगे अगर एक्सलेशन पूछा होता तो इसको एक बार और डेरिवेटिव लेते, एक्सलेशन हमें मिल जाता, ठीक है ना। तो एक्सलेशन पूछा नहीं है तो मैं वेलोसिटी निकाल के ही छोड़ देता हूँ, के ई की पावर माइनस बी टी, मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों ए ऑप्शन हमारा मैच कर गया। थैंक यू बेबा, टेक केयर।